हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है राइडोग्राफर तुषार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। अच्छी चीज़ें करते रहो यार। सो गाइस, होप आपने ग्रुप देख ही लिया होगा कि सब लोग अभी जो है यहाँ पे मीटअप हो चुके हैं एंड ऑलमोस्ट हम लोग निकलने वाले। मैं करीबन 3:30 बजे निकला मेरे घर से एंड यहाँ पर अभी हम लोग शिवाजी का पुतला जो भाईंदर में है वहाँ पर हम लोग मिले हैं। एंड नाउ द टाइम इज़ अभी एक्चुअल टाइम हो रहा है 4:13। सो अभी हम लोग सब लोग निकलेंगे। सो हम लोग अभी जो राइड हम लोग करने वाले दैट इज़ टू वेलास। अपने को थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा। सो वेलास हम लोग पहुँचेंगे। अभी यहाँ से करीबन 6 आवर्स का जर्नी है अगर हम लोग एक या दो हॉल्ट लेते तो ही। सो एवरीथिंग इज़ डन। सब लोग गेट अप भी हो चुके हैं, ऑलमोस्ट अभी निकलने लें। सारे सोलो राइडर्स है, सिर्फ मेरे साथ में प्रसाद है जो मेरा पिलन है, बाकी सारे सोलो राइडर्स है। ऑलमोस्ट 95% सब लोग आ गए, सिर्फ 99% आ गए, एक जन बाकी है जो हम लोग को आगे मिलेगा। एंड अभी हम लोग निकलते हैं, स्टे ट्यून। सो एंड वन थिंग, ये किधर है, ये हमारे साहिल भाई जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था आज के राइड के लिए। सो ये साहिल, ये उनका यूज़र, ये है उनका यूट्यूब आईडी अंडर द स्काई। प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइस, इनके भी काफ़ी अच्छे वीडियोज़ है। सो अभी धीरे धीरे सबसे हम लोग बोलते ना कि फ्रेंडशिप वगैरह करेंगे एंड एक दूसरे का नाम जानेंगे। फिलहाल अभी तो फिलहाल राइडिंग का मूड है गाइस, सो लेट्स गो। ओके सो गाइस, कलमबोली का स्टॉप अभी यहाँ पे हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली मैकडोनल्ड्स बंद है, पता नहीं क्यों, रीज़न क्या है। ऑल राइडर्स आर इन, अभी वापस लेट्स गो, बूम। ओके गाइस, तो अभी हो चुके 7:45। हम लोग ने अभी जस्ट अभी ओम श्री साई स्नैक्स में अभी तक हमारा मतलब सिर्फ कॉफ़ी ब्रेक लिया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं करना, क्योंकि नाश्ते के लिए बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्रेक हो जाएगा, तो इसके लिए अभी नहीं। फिर आगे एक ब्रेक लेने वाले, आई नीड टू चेक, मेरे को कन्फर्म नहीं है। सो मेरे घर से निकल कर भाईंदर से निकल कर एरोली से निकल कर अभी सीधा यहाँ पर हम लोगों ने हॉल्ट लिया है और सारे राइडर्स आ गए एंड अभी यहाँ से निकलेंगे। यार अभी उजाला भी हो गया, सो थोड़ा अभी और भगाना पड़ेगा एंड लेट्स रॉक एंड रोल। अभी ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टॉप देखते हैं, मुझे भी पता नहीं है वो साहिल या फिर उनसे अभी पता चलेगा नेक्स्ट स्टॉप। सो लेट्स गो। कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट लगता है एक KTM एडवेंचर है और उसका सस्पेंशन पीछे का काफ़ी ज़्यादा ही सॉफ्ट है, इतना बाउंस कर रहे हैं ना थोड़ा सा भी कुछ है ना तुम डूब हो जा रहे ओके गाइस, अराउंड 150 किलोमीटर अभी राइड हो चुका है एंड मेरे बालों को इग्नोर कर देना चटपट हो गए क्योंकि हेलमेट पहन के 150 किलोमीटर चलाने के बाद अभी हॉल्ट लिया है और हम लोगों ने अभी हॉल्ट लिया है जोशी वड़ेवाला के यहाँ पे। इधर है ना जोशी वड़ेवाला के यहाँ पे अभी, क्योंकि मॉर्निंग सब लोग 4 बजे से उठे, 4 बजे का मीटअप था, 4 बजे का अभी जाके हम लोग जो नाश्ता कर रहे हैं तो थोड़ा खाएँगे उसके बाद, क्योंकि अभी काफ़ी मट्टी भूख लगी है। हम थोड़ा बोलते ना फ्रेशन अप भी हो जाएंगे चाय वगैरह पी के एंड ऑफ। सब मंडी इधर उधर हो गई है, सामान इधर रख दिया सबका, तो ये हम लोग 9 बाइक्स का पूरा सामान है। मेरे को भी भूख लगी है, यहाँ पे मिसल अवेलेबल है, वड़ा अवेलेबल है, तो अगर जोशी वड़े की इधर आए तो आप लोगों ने वड़ा टेस्ट नहीं किया तो फिर क्या किया। तो लेट्स टेस्ट वड़ा। फाइनली गाइस, वड़ा इज हियर। जोशी वड़े की इधर आए और वड़ा टेस्ट नहीं किया तो क्या टेस्ट किया। यम्मी। बेवजह इन जानवरों को भी कुछ खिला दिया करो, ये कभी मांगते नहीं है लेकिन भूख इन्हें भी लगती है। ओके सो गाइस,
जो KTM वाला बंदा था वो, जिसका नाम समीर है, एंड अनफॉर्चुनेटली उसके सस्पेंशन के वजह से उसको फिर से पीछे जाना पड़ा। हम लोग ने मतलब बोलते ना बहुत टाइम तक हम लोग रुके वहाँ पर गैराज के यहाँ पे, अभी जस्ट वहाँ से निकले क्योंकि बहुत कुछ ट्राई किया, वो सीप आना था उसे हम लोग ने सस्पेंशन बोलते ना टाइट करने की भी कोशिश की, बट कुछ बोलते ना कि रिजल्ट्स नहीं मिला, फिर भी सस्पेंशन दब रहा है पूरा, एंड इतना स्मूथ दब रहा है कि पता नहीं, मतलब बोलते ना कि ज़्यादा स्मूथ है जिसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है, इसके लिए हम लोग ने कंटिन्यू नहीं किया। सो वो बंदा अभी रिटर्न गया है एंड ही सेड दैट कि मेरा एक बार काम हो जाएगा तो ही विल कॉल बैक, और फिर अगर उसको जमा, हम लोगों ने बोला उसको कि ज़्यादा हेक्टिक मतलब बोलते ना कि वापस राइड बैक मत कर, चाहिए तो आराम करो और वापस आ जा रात रात को, तो वो बोला कि वन शॉट में आऊँगा, इट्स हिज कॉल नाउ। तो फिलहाल हम लोग तो कह रहे हैं कि पहले उसका सस्पेंशन का काम हो जाना चाहिए, बिकॉज लोकल गैराज विराज में दिखाएंगे एंड KTM नया नया है, सो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो एक बंदा कम हो गया है, नो वरी, हम लोगों ने कंटिन्यू किया है, एक घंटा गया फिलहाल वहाँ पे, नो वरीज, बट उसको वो देखना ज़रूरी था ना, अभी फिर से हम लोग ने कंटिन्यू किया है अभी। ओके सो गाइज, सब कुछ घाट पार करने के बाद, गांव पार करने के बाद, एंड फाइनली हम लोग पहुंच गए फेरी के यहाँ पे। वेटिंग फॉर फेरी, अवेलेबल है कि नहीं पता नहीं, बट हम लोग पहुंच गए फेरी के। गाइज अभी बज रहे 6:10 गाइज, हम लोग पूरा राइड वगैरह करके अपने जिस तरह से वीडियोस देखे वो करने के बाद मेरा आवाज़ ऐसा रहा क्योंकि मैंने अच्छा खासा नींद लिया एक डेढ़ घंटे का। हम लोग करीबन 2:30 बजे तक हम लोग पहुँच गए थे, फिर थोड़ा फ्रेशन अप हुए वगैरह एंड ऑल, खाना खाया, खाना एकदम बोलते ना घरगुती खाना था, काफ़ी अच्छा। हम लोग का स्टे जो है पीछे वहाँ पर है, सो मैं यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट कर दूँगा, मतलब ये होम स्टे है जहाँ पर आपको डॉर्मेटरी चाहिए तो मतलब एक हॉल जैसा है जिसको डॉर्मेटरी कहते हैं वो मिल जाएगा, या फिर आपको रूम चाहिए तो रूम मिल जाएगा, एंड चार्जेस डिपेंड्स आप क्या लेते हो वो, सो उनसे आप डायरेक्टली बात करके कर सकते हो। सो गाइस ये वेलास में है, सो पीछे जो है पूरा ये पूरा जगह उनका ये पार्किंग वगैरह किया, गाड़ी हम लोग यहाँ पर पार्क किया। सो खाना पीना खा के करीबन 4-4:30 बजे रहेंगे, मतलब बोलते ना कि टाइम पास करके खाना पीना खा के 4:30 बजे हम लोग सो गए, और अभी हम लोग 6 बजे उठे, अभी वे फ्रेश हुआ, अभी थोड़ा बोल देना कि थोड़ा मुँह धोने के बाद भी मतलब स्लीपीनेस है, बट अभी वेलास बीच में हम लोग जाएंगे और टोटल देखेंगे अभी। गाइस अभी हम लोग मतलब वहाँ पे हम लोग का स्टे है, सो वहाँ से नज़दीक ऐसा ऑन द वे ही है, सो आपको ऐसा एक बोर्ड दिखाई देगा जहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम वेलास सी टर्टल कंजर्वेशन एरिया, ऐसा बोर्ड बनाया हुआ है। सो यहाँ से अभी जाना है पूरा, यहाँ से ऐसा नीचे उतर के वहाँ पर प्रसाद आगे जा रहे हैं लाल कैप में, और दोस्त लोग भी आधे गए और ऑलमोस्ट सुबह आगे गए मैं सोया हुआ था, सो अभी वहाँ पर जाते हैं। सो यस गाइस, काफ़ी मज़ा आया गाइस क्योंकि हम मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी गाइस, उधर से भागते हुए आया मैं एंड ये लोग आगे चले गए थे क्योंकि ये लोग पूरी तरह से नहीं सोए, मैं सोया। स्लीप इज इम्पोर्टेंट गाइस, शरीर को आराम देना जरूरी है, इतना लंबा ड्राइव करके सो इतना लंबा राइड करके आए हम लोग तो स्लीप जरूरी है, सो वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी मैंने कल सुबह ना। सो अभी वापस मॉर्निंग में आएंगे क्योंकि वहाँ पे जो अभी एक शेड बना हुआ है जहाँ पर वो लोग ने टर्टल के एग्स को प्रिजर्व किया हुआ है, सो वो अभी हम लोग देखेंगे उसमें। सो गाइज आप बीच की तरफ से यहाँ पर आओगे, सो ऐसा यहाँ पर एक शेड बना हुआ है जहाँ पर सारे जो अंडेज है वो प्रिजर्व किया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे कुछ चीज़ें लिखी हुई है, दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट गाइस, कि मतलब बहुत सारे नॉर्म्स लिखे हुए हैं कि यहाँ पे कचरा नहीं फैलाना है, एंड इवन अगर आपको बाई चांस कभी टर्टल का एग या फिर मिलता है तो हम लोग उसको लेके जा नहीं सकते ड्यू टू दी इंडियन कोर्ट एक्ट, वो मतलब बोलते ना कि चार्जेबल रहेगा आपको या फिर फ़ाइन पड़ेगा
ऐसा कुछ होता तो आपको इन्फॉर्म करना है जो यहाँ पे नज़दीक कोई भी है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे सो यहाँ पे जो सारे जो टर्टल्स हैं ना, जिसके सारे अंडेज रखे हुए प्रॉपरली विद नेम्स, सॉरी विद डेट कि कभी उन लोगों ने रखा था और उनकी क्वांटिटी कि कितना क्वांटिटी एंड ऑल, मैंने तो कितने सारे देखे कि 3 डिजिट में भी ऐसे उतने अंडे यहाँ पे है। एंड सर्वाइवर रेट जो ये लोग बता रहे थे कि 1000 में से 1 या 2 ही अंडा ऐसा बचता है एंड टोटल सर्वाइव कर पाता है, बिकॉज इतना स्ट्रगल है अंदर के, मतलब बहुत कुछ है, जैसे उन लोग का बर्थ होता है जैसे छोड़ा जाता है, सो वहाँ पे वो लोग का स्ट्रगल में चालू हो जाता है कि 1000 में से 1 ही बचता है। मैंने जिस तरह से कहा कि बहुत कुछ है यहाँ पे अंदर, फिशेस खा लेती हैं उनको या फिर बर्ड्स वगैरह है वो खा लेते हैं एंड जो बच जाता है एंड ही इज़ द किंग एंड ही इज़ द मास्टर। सो यहाँ पर फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर प्रॉपरली देखोगे यहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है कि जो फर्स्ट में देख रहा हूँ, जो 2nd of January को यहाँ पे रखा गया था एंड द क्वांटिटी इज़ अराउंड 134, मराठी में लिखा हुआ है। इतने अंडे जो है एक मदर टर्टल ने दिया हुआ है एंड उसको प्रिजर्व करके रखा है वो लोग ने यहाँ पे। सो उसका जो प्रोसेस है 80 डेज होता है या फिर उससे ज़्यादा, वो डिपेंड जैसे होता है हैच। सो वो लोग उसको जो है वहाँ पर आप देख सकते हो वो उसके अंदर डाल के फिर वो लोग रिलीज़ करते हैं समुंदर में। ओके सो अभी हो चुकी है शाम गाइस, अभी टाइम है वापस अभी रूम पे जाने के लिए एंड आधे लोग बिखर गए, अभी देखते पब्लिक कहाँ पर है एंड थोड़ा अभी टाइम पास होगा, म्यूज़िक वगैरह प्ले करके थोड़ा टाइम पास वगैरह करेंगे। नए लोग मिले हैं उन लोग के साथ में उनका एक्सपीरियंस शेयर होगा, नॉलेज शेयर होगा। अभी मेरा दोस्त कहाँ पर गया। Thank you.